मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ दिस वेजिटेबल ओकरा। किसके हेल्प से आज हम ये एक्टिविटी करेंगे? ओकरा वेजिटेबल की हेल्प से। ओकरा यानी भिंडी, भिंडी ओकरा को बोलते हैं। तो आज हम इसकी हेल्प से क्या एक्टिविटी करेंगे? आज ओकरा प्रिंटिंग। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक इजी सी आपको पिक्चर बना लेनी है, कोई भी इजी पिक्चर जो आपकी मम्मा ड्रॉ कर सके। मैंने आपको जूम क्लास में भी दिखाया था स्क्वेयर शेप में बना के। ये देखिए, मैंने स्क्वेयर शेप एक ली थी, उसमें आपको बोला था जो आपकी मम्मा को इजी शेप लगे। सर्कल मैंने आपको सिखा रखा है, आप चाहें तो मम्मा की इस बैंगल की हेल्प से, देखिए जो मम्मा बैंगल डालती हैं इसी की हेल्प से एक राउंड शेप ले सकते हैं, कोई बॉल बना सकते हैं, कोई इजी पिक्चर जो आपको इजी लगे। मैंने आपको स्क्वेयर शेप में दिखाई थी। अब आप क्या करेंगे, कोई भी इजी पिक्चर जो आपको लगती है उसमें आप ये ओकरा प्रिंटिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, मैंने आपको जूम क्लास में भी दिखाया है। अब मैंने यहाँ एक पिक्चर ड्रॉ की है ट्री की। व्हाट इज दिस, विच पिक्चर इज दिस? दिस इज टीटर ट्री। इन दिस ट्री वी विल डू ओकरा प्रिंटिंग टुडे। ओके, इसके लिए आज हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए? आपको चाहिए ओकरा, वाटर कलर एंड वन चाहिए नाइफ। नाइफ को आप बिल्कुल टच नहीं करेंगे, आप स्मॉल बेबीज हैं तो आप मम्मा की हेल्प से ही एक्टिविटी करेंगे, मम्मा आपके साथ बैठेंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वन बाय वन आप चेक कीजिए। देखिए आपको जो है ओकरा का जो ये टिप है, हेड है, ये इसकी कट करवानी है मम्मा से। आपने कट नहीं करना, मम्मा कट करेंगी, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको। अब आपने क्या करना है, वाटर कलर लेना है। वाटर कलर को आप चाहें तो प्लेट में भी ले सकते हैं, चाहे तो आप इस वाटर कलर की बॉक्स में ही इसी की हेल्प से सीधा डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ट्री का जो अपर पार्ट होता है हमारा कौन से कलर का होता है, आप घर में भी चेक कीजिए, वो होता है ग्रीन कलर का। तो आप ग्रीन कलर का जो है ट्री होता है, तो इसके लिए ग्रीन कलर का हम वाटर कलर में डिप करने के बाद इसे ऐसे डिप करेंगे ग्रीन कलर के वाटर कलर में, और ओकरा को ऐसे वन बाय वन ऊपर से जो है स्टार्ट करेंगे, ऐसे टच करना है, फिर इसे ऊपर उठाना है, फिर आपको इसे टच करना है, नीचे टच करने के बाद ऐसे पेपर पे भी हैंड रखिए ताकि आपकी पूरी शीट स्पॉयल नहीं हो। देखिए ऐसे आज हम ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, इससे जो है क्या होगा, आपकी मसल्स जो है, फिंगर की मसल्स जो है इनकी ग्रिप अच्छी बनेंगी, इससे आपकी पेंसिल होल्डिंग अच्छी बनेगी। तो आपने ये एक्टिविटी आज मम्मा की हेल्प के साथ करनी है, ठीक है। ये देखिए, पहले राउंड हम एक शेप लेंगे, पूरी ऐसे राउंड शेप बना देंगे, उसके बाद जो है राउंड राउंड शेप में ही ऐसे पूरा इसे हम फिल करेंगे। ट्री का इनर पार्ट हमारा कौन सा होता है, ट्री होता है हमारा ग्रीन कलर का। तो ग्रीन कलर का ही हमने सारा ये टीटर ट्री बनाना है, ऐसे वन टू काउंटिंग बोलते रहिए, काउंटिंग भी आ जाएगी आपको, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ऐसे बार बार रिपीट कीजिए, आपकी काउंटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी और हमारी ओकरा प्रिंटिंग भी होती रहेगी। देखिए ये क्रिएटिविटी करने से आपका क्या होगा, फिंगर की मसल्स आपकी कितनी होंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी, आपकी पेंसिल ग्रिपिंग अच्छी होगी, आपकी पेंसिल होल्डिंग बहुत अच्छी होगी। क्योंकि आप ये एक्टिविटी कैसे कर रहे हैं, अपनी फिंगर को होल्ड करके, इसको होल्ड करके कर रहे हैं ना ओकरा को अपने फिंगर में। तो आपको देखिए ऐसे ऐसे राउंड शेप बना देनी है, ये हमारी बन गई टीटर ट्री। अब हमने जो है इसको जो है इसका जो है ये क्या होता है, कौन सा पार्ट होता है, ये होता है हमारे ट्री का ट्रंक। ट्री का ट्रंक लोअर पार्ट जो होता है ट्री का, जहाँ से ट्री की स्टार्टिंग होती है वो होता है ट्रंक। उसे हमने क्या करना है, ब्राउन कलर की हेल्प से बनाना है, क्योंकि ट्रंक कौन से कलर का होता है, वो होता है ब्राउन कलर का। तो हमने ब्राउन कलर का ट्रंक बनाना है, ऐसे ऐसे ये हमारा पूरा ट्री बन जाएगा। देखिए कितना सुंदर ट्री बनने जा रहा है हमारा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। इसमें आप ध्यान से देखिए आपकी पूरी ओकरा की शेप शो हो रही है, हमारी ओकरा वेजिटेबल इसमें बहुत अच्छी दिख रही है। अब देखिए ये बन गई हमारी ओकरा प्रिंटिंग एक्टिविटी। सो सेम लाइक दिस यू हैव टू प्रिपेयर दिस एक्टिविटी एंड यू हैव टू शो दिस एक्टिविटी बाय होल्डिंग इट इन योर हैंड।